परमेश्वर के दैनिक वचन। शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए ज्ञान का उपयोग कैसे करता है? पहले हम ज्ञान के बारे में बात करेंगे। क्या ज्ञान ऐसी चीज है जिसे हर कोई सकारात्मक चीज मानता है? लोग कम से कम ये तो सोचते ही हैं कि ज्ञान शब्द का संकेतार्थ नकारात्मक के बजाय सकारात्मक है। तो हम यहां क्यों उल्लेख कर रहे हैं कि शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए ज्ञान का उपयोग करता है? क्या विकास का सिद्धांत ज्ञान का एक पहलू नहीं है? क्या न्यूटन के वैज्ञानिक नियम ज्ञान का भाग नहीं है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी ज्ञान का ही एक भाग है ना? हाँ। तो फिर ज्ञान क्यों उन चीजों में सूचीबद्ध है जिन्हें शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है? तुम लोगों का इस बारे में क्या विचार है? क्या ज्ञान में सत्य का लेश मात्र भी होता है? नहीं। तो ज्ञान का सार क्या है? मनुष्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले समस्त ज्ञान का आधार क्या है? क्या ये विकास के सिद्धांत पर आधारित है? क्या मनुष्य द्वारा खोज और संकलन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान नास्तिकता पर आधारित नहीं है? क्या ऐसे किसी ज्ञान का परमेश्वर के साथ कोई संबंध है? क्या ये परमेश्वर की उपासना करने के साथ जुड़ा है? क्या ये सत्य के साथ जुड़ा है? नहीं। तो शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए ज्ञान का उपयोग कैसे करता है? मैंने अभी अभी कहा कि इसमें से कोई भी ज्ञान परमेश्वर की उपासना करने या सत्य के साथ नहीं जुड़ा है। कुछ लोग इस बारे में इस तरह सोचते हैं, हो सकता है ज्ञान का सत्य से कोई लेना देना न हो, किंतु फिर भी ये लोगों को भ्रष्ट नहीं करता। तुम लोगों का इस बारे में क्या विचार है? क्या तुम्हें ज्ञान के द्वारा ये सिखाया गया है कि व्यक्ति की खुशी उसके अपने दो हाथों द्वारा सृजित होनी चाहिए? क्या ज्ञान ने तुम्हें ये सिखाया कि मनुष्य का भाग्य उसके अपने हाथों में है? हाँ। ये कैसी बात है? ये शैतानी बात है। बिल्कुल सही, ये शैतानी बात है। ज्ञान चर्चा का एक जटिल विषय है। तुम बस ये कह सकते हो कि ज्ञान का क्षेत्र ज्ञान से अधिक कुछ नहीं है। ज्ञान का ये क्षेत्र ऐसा है जिसे परमेश्वर की उपासना न करने और परमेश्वर द्वारा सब चीजों का निर्माण किए जाने की बात न समझने के आधार पर सीखा जाता है। जब लोग इस प्रकार के ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो वे ये नहीं देखते कि सभी चीजों पर परमेश्वर का प्रभुत्व है। वे नहीं देखते कि परमेश्वर सभी चीजों का प्रभारी है या सभी चीजों का प्रबंधन करता है। इसके बजाय वे जो कुछ भी करते हैं वो है ज्ञान के क्षेत्र का अंतहीन अनुसंधान और खोज, और वे ज्ञान के आधार पर उत्तर खोजते हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि अगर लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे और इसके बजाय केवल अनुसंधान करेंगे तो वे कभी भी सही उत्तर नहीं पाएंगे? वो सब ज्ञान तुम्हें केवल जीविकोपार्जन, एक नौकरी, आमदनी दे सकता है ताकि तुम भूखे न रहो, किंतु वो तुम्हें कभी भी परमेश्वर की आराधना नहीं करने देगा और वो कभी भी तुम्हें बुराई से दूर नहीं रखेगा। जितना अधिक तुम ज्ञान का अध्ययन करोगे उतना ही अधिक तुम परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने
परमेश्वर को अपने अध्ययन के अधीन करने, परमेश्वर को प्रलोभित करने और परमेश्वर का विरोध करने की इच्छा करोगे। तो अब हम क्या देखते हैं कि ज्ञान लोगों को क्या सिखा रहा है? ये सब शैतान का फलसफा है। क्या शैतान द्वारा भ्रष्ट मनुष्यों के बीच फैलाए गए फलसफों और जीवित रहने के नियमों का सत्य से कोई संबंध है? उनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है और वास्तव में वे सत्य के विपरीत हैं। लोग प्रायः कहते हैं, जीवन गति है और मनुष्य लोहा है, चावल इस्पात है। अगर मनुष्य एक बार का भोजन छोड़ता है तो वो भूख से बेजार महसूस करता है। ये क्या कहावतें हैं? ये बुलावे हैं और इन्हें सुनने से घृणा की भावना पैदा होती है। मनुष्य के तथाकथित ज्ञान में शैतान ने अपने जीवन का फलसफा और अपनी सोच काफी कुछ भर दी है। और जब शैतान ऐसा करता है तो वो मनुष्य को अपनी सोच, अपना फलसफा और दृष्टिकोण अपनाने देता है, ताकि मनुष्य परमेश्वर के अस्तित्व को नकार सके। सभी चीजों और मनुष्य के भाग्य पर परमेश्वर के प्रभुत्व को नकार सके। तो जब मनुष्य का अध्ययन आगे बढ़ता है और वो अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो परमेश्वर के अस्तित्व को धुंधला होता महसूस करता है। और फिर वो ये भी महसूस कर सकता है कि परमेश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। चूंकि शैतान ने अपने दृष्टिकोण, धारणाएं और विचार मनुष्य के मन में भर दिए हैं, तो क्या इस प्रक्रिया में मनुष्य भ्रष्ट नहीं होता? हाँ। अब मनुष्य अपना जीवन किस पर आधारित कर लेता है? क्या वो सचमुच इस ज्ञान पर जी रहा है? नहीं, मनुष्य अपने जीवन को शैतान के उन विचारों, दृष्टिकोणों और फलसफों पर आधारित कर रहा है जो इस ज्ञान के भीतर छिपे हैं। यहीं पर शैतान द्वारा मनुष्य की भ्रष्टता का अनिवार्य अंश घटित होता है। ये शैतान का लक्ष्य और मनुष्य को भ्रष्ट करने की विधि दोनों है। हम ज्ञान के सबसे सतही पहलू पर चर्चा से शुरुआत करेंगे। क्या भाषाओं का व्याकरण और शब्द लोगों को भ्रष्ट करने में समर्थ हैं? क्या शब्द लोगों को भ्रष्ट कर सकते हैं? नहीं, शब्द लोगों को भ्रष्ट नहीं करते। वे एक उपकरण हैं जिसका लोग बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वे वो उपकरण भी हैं जिसका लोग परमेश्वर के साथ संवाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं, वर्तमान समय में भाषा और शब्द ही हैं जिनसे परमेश्वर लोगों के साथ संवाद करता है। वे उपकरण हैं और वे एक आवश्यकता हैं। एक और एक दो होते हैं और दो गुणा दो चार होते हैं। क्या ये ज्ञान नहीं है? पर क्या ये तुम्हें भ्रष्ट कर सकता है? ये सामान्य ज्ञान है। ये एक निश्चित प्रतिमान है और इसलिए ये लोगों को भ्रष्ट नहीं कर सकता। तो किस तरह का ज्ञान लोगों को भ्रष्ट करता है? भ्रष्ट करने वाला ज्ञान वो ज्ञान होता है जिसमें शैतान के दृष्टिकोणों और विचारों की मिलावट होती है। शैतान इन दृष्टिकोणों और विचारों को ज्ञान के माध्यम से मानव जाति में भरने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, किसी लेख में, लिखित शब्दों में अपने आप में कुछ गलत नहीं होता। जब लेखक लेख लिखता है तो समस्या उसके दृष्टिकोण और अभिप्राय के साथ ही
उसके विचारों की विषय वस्तु में होती है। ये आत्मा की चीजें हैं और ये लोगों को भ्रष्ट करने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम टेलीविजन पर कोई कार्यक्रम देख रहे हो तो उसमें किस प्रकार की चीजें लोगों का दृष्टिकोण बदल सकती हैं? क्या कलाकारों द्वारा कहे गए शब्द खुद लोगों को भ्रष्ट करने में सक्षम होंगे? नहीं। किस प्रकार की चीजें लोगों को भ्रष्ट करेंगी? ये कार्यक्रम के मुख्य विचार और विषय वस्तु होंगे जो निर्देशक के विचारों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन विचारों द्वारा वहन की गई सूचना लोगों के मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है। क्या ऐसा नहीं है? अब तुम लोग जानते हो कि मैं अपनी चर्चा में शैतान द्वारा लोगों को भ्रष्ट करने के लिए ज्ञान का उपयोग करने के संदर्भ में क्या कह रहा हूं। तुम गलत नहीं समझोगे, है ना? तो अगली बार जब तुम कोई उपन्यास या लेख पढ़ोगे तो क्या तुम आकलन कर सकोगे कि लिखित शब्दों में व्यक्त किए गए विचार मनुष्य को भ्रष्ट करते हैं या मानव जाति के लिए योगदान करते हैं? हाँ, कुछ हद तक। ये ऐसी चीज है जिसे धीमी गति से पढ़ा और अनुभव किया जाना चाहिए, और ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुरंत आसानी से समझ लिया जाए। उदाहरण के लिए, ज्ञान के किसी क्षेत्र में शोध या अध्ययन करते समय उस ज्ञान के कुछ सकारात्मक पहलू उस क्षेत्र के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान पाने में सहायता कर सकते हैं, साथ ही ये जानने में भी सक्षम बना सकते हैं कि किन चीजों से लोगों को बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, बिजली को लो। ये ज्ञान का एक क्षेत्र है ना? अगर तुम्हें ये पता न होता कि बिजली लोगों को झटका मार सकती है और चोट पहुंचा सकती है तो क्या तुम अनभिज्ञ न होते? किंतु एक बार ज्ञान के इस क्षेत्र को समझ लेने पर तुम बिजली के करंट वाली चीजों को छूने में लापरवाही नहीं बरतोगे और तुम जान जाओगे कि बिजली का उपयोग कैसे करना है। ये दोनों सकारात्मक बातें हैं। क्या अब तुम लोगों को स्पष्ट हो गया है कि हम ज्ञान लोगों को किस तरह भ्रष्ट करता है इस बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं? दुनिया में कई प्रकार के ज्ञान का अध्ययन किया जाता है और तुम लोगों को स्वयं उनमें अंतर करने के लिए समय देना चाहिए।